सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर एक न्यू आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पर एक नया आईडी कैसे बना सकते हैं अपना खुद का, एंड एक नया आईडी बनाकर आप इंस्टाग्राम कैसे चला सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर नए नए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इंस्टाग्राम पर एक न्यू आईडी क्रिएट कर पाएंगे एंड इंस्टाग्राम चलाना सीख जाएंगे। सो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली ओपन करना है इंस्टाग्राम को, एंड ओपन करने के बाद आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है। एंड जैसे वेट करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे के साइड में देख सकते हैं कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई पासवर्ड सजेस्टेड अगर कर रहा है तो आपको सिंपली इसको स्किप कर देना है। एंड देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। अगर आप पहले से इंस्टाग्राम यूज करते थे, आपका पहले से कोई इंस्टाग्राम पर आईडी था, इंस्टाग्राम चलाते थे, तो आप चाहें तो उस इंस्टाग्राम आईडी को यहाँ पर डालकर एंड उसका पासवर्ड डालकर आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक नया आईडी बनाने वाले हैं, यानी कि न्यू अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे के साइड में यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऐसा पेज जो है कि आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी मोबाइल नंबर से इंस्टाग्राम आईडी बनाना चाहते हैं सिंपली उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है। ख्याल रहे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी जो कि यहाँ पर आपको डालना है, इसलिए आप यहाँ पर वही नंबर एंटर कीजिएगा जो नंबर आपके पास हो। सो मैंने यहाँ पर नंबर एंटर कर दिया है, एंड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर इस नंबर से मेरा पहले ही एक अकाउंट बना था, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉग इन टू एक्सटिंग अकाउंट, एंड इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो आपको सिंपली इस नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर, एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको ओटीपी किस माध्यम से चाहिए, मतलब व्हाट्सअप के जरिए या फिर आपको एसएमएस के द्वारा। तो हमें सिंपली एसएमएस के द्वारा चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली ये जो एसएमएस वाला है इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सेंड कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, एंड वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो गया है। अब आपने जो नंबर यहाँ पर दिया था उस नंबर पर यहाँ पर एक ओटीपी भेजी जाएगी जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ओटीपी इसने ऑटोमेटिक ले लिया है, और यहाँ पर ओटीपी भी ऊपर के साइड में यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो 6 लेटर से ज़्यादा का होना चाहिए, यानी कि 6 अंक से ज़्यादा का होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अगर आपको देखना है कि आपने क्या पासवर्ड मतलब क्रिएट किया है, क्या पासवर्ड यहाँ पर डाला है, तो ये जो आई वाला आइकन दिखाई दे रहा है आँख वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी पासवर्ड यहाँ पर डाला रहेगा वो पासवर्ड आपको दिख जाएगा। इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है, एंड शॉर्ट स्क्रीन लेकर आपको इसको अपने मतलब कहीं पर भी नोट कर लेना है, यही आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड होने वाला है। सो इसके बाद आपको सिंपली इस पर फिर से क्लिक कर देना है, एंड इसके नीचे जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली नॉट नाउ पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पर पूछ रहा है आपका जो मतलब इन्फॉर्मेशन है आप उसे सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो आपको यहाँ से सिंपली नॉट नाउ कर देना है। आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ से नॉट नाउ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका डेटा ऑफ बर्थ पूछेगा, तो आपका जन्मदिन जिस भी दिन हुआ था आपको सिंपली यहाँ पर अपना बर्थ डाल देना है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना बर्थ लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका जो रियल बर्थ है वही यहाँ पर डालना है, आप कुछ भी यहाँ पर बर्थ के नाम पर डाल सकते हैं। इसके बाद ये जो सेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं फुल नेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना है, यानी कि पूरा नाम। तो मेरा नाम अंकित पाल है, तो मैं सिंपली यहाँ से अंकित पाल लिख देता हूँ। ये आपके इंस्टाग्राम का यूजर नेम नहीं है, ये केवल आपका नाम है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
एंड जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद देख सकते हैं कुछ प्रोसेसिंग लेने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको यूजर नेम सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक एक यूजर नेम यहाँ पर आ गया है, लेकिन आप चाहें तो अपने मन के अनुसार जो भी आप अपना यूजर नेम रखना चाहते हैं आप यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल सकते हैं। यूजर नेम होता क्या दोस्तों, जब भी मतलब कोई व्यक्ति आपको इंस्टाग्राम पर सर्च करेगा तो सिंपली यूजर नेम के जरिए आपको सर्च करके आपके आईडी को खोज सकता है। तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम अपने अनुसार रख देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना यूजर नेम अंकित पाल टेक रख दिया है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। एंड आप चाहें तो इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके मुझसे बात भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस आईडी को फॉलो कर लीजिए एंड मुझसे बात आप कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिंपली आपको अपना यूजर नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये इंस्टाग्राम की कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो आई एग्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड थोड़ा सा वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल पिक्चर है, जिसको बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम का डीपी बोलते हैं, आपको सिंपली वो सेट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर चाहे तो आप अपने गैलरी से कोई भी मतलब अपना फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसके लिए फोटो लगाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एड पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली स्किप पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ। तो इसके लिए सिंपली एड पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। एंड एड पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन ओपन हो चुका है। पहला टेक फोटो, अगर आप तुरंत फोटो लेना चाहते हैं कैमरे से तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से फोटो खींच रखा है और उसको गैलरी से लगाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर जो चूज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है पहला नंबर, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये परमिशन मांग रहा है, तो सिंपली यहाँ से अलाउ ऑल पर क्लिक कर देना है आपको। एंड अलाउ ऑल पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके गैलरी में जितने सारे फोटो रहेंगे सारे फोटो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक फोटो लगा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरा फोटो तो है नहीं, तो मैं सिंपली इसी फोटो को लगा देता हूँ, रितेश पांडे की फोटो को। एंड फोटो को लगाने के बाद देख सकते हैं आप चाहें तो इस फोटो को यहाँ से एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए सिंपली आपको एडिट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप इसको चाहें तो क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर के साइड में डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आल्सो शेयर दिस पिक्चर एज अ पोस्ट, यानी कि इसके कहने का मतलब आपने जो डीपी लगाया है इसको आप अपने पोस्ट के रूप में शेयर करना चाहते हैं तो आपको इसको अलाउ नहीं करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो नीचे के साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है डन का, आपको सिंपली इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल फोटो है वो यहाँ पर लग चुका है, यानी कि सेट हो चुका है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं एक नया पेज ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका इंस्टाग्राम है वो बन चुका है, लेकिन इससे पहले इसको अलाउ दे देना है आपको। एंड देख सकते हैं अलाउ करने के बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर पूछ रहा है आप अपने फेसबुक के ऑडियंस को मतलब सजेस्ट करना चाहते हैं अपना इंस्टाग्राम आईडी, तो अगर आपके पास फेसबुक आईडी है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, लेकिन मेरे पास फेसबुक आईडी नहीं है तो मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। आपको भी स्किप कर देना अगर फेसबुक आईडी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर पूछ रहा है ये जो प्रोफाइल फोटो है इसको आप शेयर करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो मैं यहाँ से सिंपली स्किप कर देता हूँ। अगर आप किसी पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, तो स्किप पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। एंड स्किप पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑडियंस है जिसको ये इसने टिक लगा रखा है। एंड आप चाहें तो इसको फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए सिंपली यहाँ पर जो नीचे फॉलो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फॉलो हो जाएगा, यानी कि आप इन लोगों को फॉलो करने लगेंगे। लेकिन मैं यहाँ से फॉलो नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको अनटिक कर देता हूँ। एंड अनटिक करने के बाद ऊपर साइड में स्किप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिंपली आपको स्किप पर क्लिक कर देना है। एंड स्किप पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये टर्न ऑन नोटिफिकेशन, यानी कि ये पूछ रहा है कि इंस्टाग्राम का जो नोटिफिकेशन इसको आप ऑन करना चाहते हैं या ऑफ, तो मैं ऑन नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से स्किप कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको ऑन भी कर सकते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ से स्किप कर देता हूँ। एंड स्किप करने के बाद मेरे सामने जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो मेरे सामने ओपन हो चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो आपका इंस्टाग्राम आईडी है वो बन चुका है। एंड आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी देखने के लिए सिंपली आपको कॉर्नर के साइड में यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो प्रोफाइल फोटो है वो शो हो रहा है, तो आपको सिंपली अपने प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप अपने
प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम आईडी यानी कि इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। एंड ऊपर के साइड में यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगा, जितने आपने पोस्ट शेयर किए रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फॉलोअर्स देखने को मिल जाएगा, इसके बाद आपको अपना फॉलोइंग देखने को मिल जाएगा, किन किन लोगों को आप फॉलो करते हैं, एंड जो जो लोग आपको फॉलो करते रहेंगे वो आपके फॉलोअर्स में आ जाएंगे। सो कुछ इस प्रकार से आप इंस्टाग्राम पर एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।